अमेठी पुलिस ने वो कर दिखाया जो कभी कभी होता है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अपहरण किए गए बैंक मैनेजर के बेटे को सकुशल बरामद ही नहीं किया, बल्कि एनकाउंटर कर चारों बदमाशों को दबोच भी लिया है। बड़ी सफलता हासिल करने वाली पुलिस टीम को पुलिस कप्तान दिनेश सिंह ने 25,000 रुपए देने की घोषणा की है। गौरव कुमार निगम जो कि कमरौली के निवासी थे, आज सुबह उतेलवा से अपने साथी के शिवम के साथ जा रहे थे। राजा फतेहपुर में उनकी साड़ी की दुकान है। उनको राजा फतेहपुर से 1 किलोमीटर पूर्व एक टाटा निक्सन नीले रंग की गाड़ी के साथ से कुछ 4 अभियुक्तों ने अपहरण कर लिया और उसके बाद उन्होंने अपहृत के टेलीफोन से ही अपहृत के पिता से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल टीमें गठित करके सक्रिय की गई। SOG टीम, सर्विलांस टीम और विभिन्न थानों की टीम, मोहनगंज की टीम, मुसाफिर खाना की टीम, अमेठी थाने की टीम, सभी टीमों को एक साथ हमारे पुलिस अधीक्षक के अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में सक्रिय किया गया। मैं स्वयं भी सक्रिय रहा। हमें सफलता मिली। यही मिश्रौली भिटुआ रोड पर करीब 9:30 बजे के आसपास हमारी मुठभेड़ हुई। उन्होंने पुलिस पर फायर किया। जब पुलिस ने आगे से गाड़ा बंद की, पीछे से हमारी SOG की टीम भी पीछा कर रही थी। वो तीन बार उन्होंने फिरौती की मांग की थी, जिससे हमको उनके बारे में सुराग लग रहे थे। उसी क्रम में हमने आगे कार्रवाई करी और हमें सफलता मिली। हमने अपहृत गौरव को सकुशल बरामद किया। हमारे SOG प्रभारी को गोली लगी है, हाथ में गोली लगने से वो घायल हुए हैं और एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसको उपचार के लिए CSC अमेठी भेज दिया है। पुलिस टीम को ये भारी सफलता मेहनत के परिणाम स्वरूप हासिल हुई, जिसके लिए जो टीमें सक्रिय थी उनको मैं 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार उत्साहवर्धन के लिए प्रदान करता हूं। दरअसल गुरुवार को अमेठी जिले के मोहनगंज थाना इलाके के फतेहपुर गंदा नाला के पास से बैंक मैनेजर के बेटे को अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया था और फिरौती में बैंक मैनेजर पिता से 20 लाख रुपए की मांग भी की थी। पिता ने अपहरण की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मोहनगंज थाने सहित कई थानों की पुलिस मामले की जांच में जुट गई और बदमाशों के फोन को ट्रेस कर बैंक मैनेजर के बेटे को सकुशल बरामद किया गया। साथ ही इनकाउंटर में 4 बदमाशों को दबोच भी लिया गया, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। मैं सुबह दुकान के लिए निकला अपने घर से और ये बनभरिया क्रॉस करते, जैसे सेखन गांव क्रॉस करते हुए जैसे मैं आगे बढ़ा राजा फतेहपुर की ओर, वहीं पे जो है ये मारुति आई, अचानक रोकी साइड में, गाड़ी मतलब साइड में करके हम बाइक रोक दिए। उसके बाद दो तीन घूसा मारे, फिर उसके बाद जो मुंह आंख पे पट्टी, पैर बांध दिए, दोनों हाथ बांध दिए। उसके बाद जो है फिर कॉल करवाए, कहें लो बोलो, तो हमने बताया सब मेरा किडनैप हो गया है और फिरौती लोग बात किए कि 20 लाख रुपए की डिमांड थी। उन्होंने फोन काट दिया इतना कहते कि आप करिए, चाहे जांच करिए, नहीं तो आपका लड़कों को मार दें। UPSIDC कॉलोनी में रहने वाले ग्रामीण बैंक के ब्रांच मैनेजर शिव कुमार लाल निकम ने अपने बेटे गौरव की सकुशल बरामदगी पर पुलिस को तहे दिल से शुक्रिया कहा। DYSP, SHO और क्या कहते हैं कप्तान साहब, सभी लोगों ने सकारात्मक सहयोग दिया और हमारे लड़के का जो अपहरण हुआ था बदमाशों को पकड़ करके, और क्या कहते हैं हमारे लड़के को छुड़ाया। और निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन जिस तरह से हमारी बैंक की सुरक्षा में लगी रहती है, उसी तरीके से क्या कहते हैं आज हमारे बड़े लड़के को सकुशल वापस लेकर के आए। मैं बधाई के पात्र हूँ और हमारे पास शब्द नहीं है कि हम पुलिस प्रशासन को किस तरह से सम्मान। अमेठी पुलिस ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए 24 घंटे के अंदर अपहृत युवक को सकुशल बरामद और बदमाशों को गिरफ्तार कर यूपी पुलिस की वाहवाही करवा दी है, जो कि यूपी पुलिस के लिए एक मिसाल भी है। अमेठी से मोहम्मद तौफीक की रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।